भाई जब भी मैं आपको फीमेल वाली की फनी चीज दिखाता हूँ, ऐसे कर दी है ना, देखना अपनी टांगों से या अपने मुंह से इस जो कटोरी होती है ना बड़ी वाली, इसको घुमा देगी फ्राई पैन को। देखो देखो भाई देखो, ये इसको ये ऐसे घुमा दिया ना मैंने, देखना देखना वो, देखो भाई साहब देखो, फिर से करता हूँ, ए फिर से ऐसे कर दिया, ए ए देखना वो, देखो देखो भाई, मतलब कितनी भाई समझदार है। जाना पड़ेगा रूम में भाई, छोड़ना पड़ेगा। ओ तेरी यार, फिर मैं दिखाऊं, वो देखो भाई, देखो ए ए ए देखो देखो भाई, कितने भाई मैच्योर होते हैं, अपने मुंह को भाई साफ कर रहा है, अपने फेस को साफ कर रहा है अपनी टांगों से। तो गाइस आज इसको भाई साहब पता नहीं क्या हो चुका, बहुत ही ज्यादा भाई शैतानी कर रहा है। देखो देखो काम, देखो काम चेक करो यार, उस कॉटन के बीच में छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, देख सकते हैं फट्टी को भी भाई कहाँ पे कर दिया इसने। देखो देखो ओ ओ भाई साहब, क्या यार जे क्या कर रहा है जी। चलिए मैं अपने रैबिट को कैरेट और थोड़े से दाने डाल देता हूँ। जी इसको तो बहुत शौक से खाते हैं भाई साहब। हमारी फीमेल वाली भाई धूप में कैसे बैठी हुई है, देख सकते हैं भाई धूप के मजे ले रही है। अभी देखना, अभी जैसे भाई पास में रखूंगा ना, बहुत ही शौक से भाई खाती है जी। ए कैरेट भी रख दी मैंने और दूसरी भी रख दी। को भाई कैरेट को साइड पे कर देते हैं भाई। चलिए मैं अपने बजिस पैरेट को भी छोड़ देता हूँ। तो जी देख सकते हैं भाई कहाँ पे शिप के बैठे हैं। और देखो ऊपर भाई तीनों, वो है जी अपने तीन बजिस पैरेट। तो अभी जी आ जाएंगे बाहर, हमारे बजिस पैरेट भी बाहर आ चुके हैं। चलिए इनको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा भाई खाने के लिए दाना डाल देता हूँ। तो जी बॉक्स के ऊपर जो बैठे हैं, जो ज्यादा इसी बॉक्स के ऊपर बैठते हैं, ऊपर तो बॉक्स के बैठ जाते हैं बट बीच में जाने का नेम नहीं लेते। भाई जब भी मैं आपको फीमेल वाली की फनी चीज दिखाता हूँ, सबसे पहले इसको कर देता हूँ साइड पे। जी ना गाइस इस तरह कर देता हूँ, ये देखना देखना भाई अपने मुंह से, देखो अपने मुंह से भाई इसको कर लेगी, इसको घुमा देगी फ्राई पैन को। देखो देखो भाई देखो, कितनी समझदार है, मतलब क्या ही बताऊं, ये इसको ये ऐसे घुमा दिया ना मैंने, देखना देखना वो, देखो भाई साहब देखो, ये क्या चेक कर रहा भाई मेरे पजामे को चबा रहा है। यार बहुत फनी है भाई हमारे रैबिट, दोनों भाई बहुत ज्यादा फनी है। फिर मस्ती कर रहा है भाई, कोई ना कोई मस्ती करता रहता है जी यार 24 घंटे। ओ भाई साहब हमारे बजिस पैरेट के काम चेक करो यार, मतलब क्या कर रहे हैं भाई, दाने को खा नहीं रहे। जो भाई दीवार पे सीमेंट भाई लगाया है ना उसको भाई खा रहे हैं, देख सकते हैं अपनी चून से। ओ देखो गाइस देखो, तो गाइस चलिए मैं आपको छोटे से क्यूट से रैबिट भी दिखाता हूँ। और ओ देखो यार, मतलब एक साथ में भाई बैठे हैं, ये धूप आ ही चुकी है। तो जी फट्टी को कर देते हैं साइड पे। तो भाई साहब इनके लिए थोड़ा सा भाई जो हरा वगैरह होता है ना भाई, घास वगैरह होता है वो डाल देता हूँ। भाई साहब चेक करो आप, देखो यार हमारे छोटे छोटे क्यूट से रबड़ भी भाई घास को खा रहे हैं। ये देखो डायरेक्ट भाई धूप आ रही है ना, तो धूप के मजे ले रहे हैं। फीमेल वाली भी देख रही है कि मेरे रैबिट्स को कुछ कह तो नहीं रहा, नहीं कह रहा यार आपके रैबिट्स को कुछ। तो गाइस अभी मैं रैबिट्स के बच्चे के लिए थोड़ा सा फ्रेश घास लेके आया हूँ। जी चलिए इसको ऐसे भाई जहाँ पे रख देता हूँ। तो इसको तो भाई बहुत ही शौक से खाएंगे, तो फीमेल वाली भी खा रही है। वो देखो वो अलग ही है, पता नहीं भाई क्या खा रहा है जी। आ जाओ। गाइस अभी फिलहाल हम बना रहे हैं मुर्गियों के लिए घर, जहाँ पे आप देख सकते हैं। सो गाइस फाइनली हमारा जो मुर्गियों का घर था ऑलमोस्ट भाई रेडी हो चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं। अब दोस्तों इतना रेडी हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। जो जो जगह भाई साहब हमने छोड़ी है ना, इस पे भाई लगेगा गेट, ठीक है, जहाँ पे गेट लग जाएगा। और गेट लगाने के बाद ना इसके ऊपर भाई छत डल जाएगी। जे भाई आप लोग सोच रहे होंगे किस लिए भाई ये शेड छोड़ा इतना बड़ा, जे भाई शेड को इसलिए छोड़ा गया जहाँ पे ना हम एक भाई जाली लगा देंगे, जो ब्रीक जाली होती है ना बारीक जाली, जे लगा देंगे, क्योंकि गर्मियों के अंदर भाई अच्छे तरीके से हवा भाई हमारी मुर्गियों को भाई लग सकेगी। गाइस जे ऐसे नहीं मानेगा, जे तो भाई तोड़ के मानेगा। अभी गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करो इसके काम यार। अभी इधर हो, देखो इधर भी देखना गाइस, अभी इधर भी जहाँ पे भी भाई देख सकते हैं क्या कर दिया, जहाँ पे भी इसने भाई क्या कर दिया आपको नजर आ रहा होगा। जहाँ पे दोस्तों देखो भाई क्या यार, इसको भाई अंदर भाई जाना पड़ेगा रूम में भाई, छोड़ना पड़ेगा। ओ तेरी यार, काट दिया भाई साहब इसने मुझे यार, 3-4 दिन हो चुके हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा शैतानी कर रहा है जे, पता नहीं क्या सीन है। अब देख सकते हैं मुंह में भाई उल्टा करके देखते हैं, सीमेंट चबारा आई थी, इसको पकड़ के देखते हैं। इधर इसको पता नहीं भाई क्या हो चुका, 3-4 दिन हो चुके हैं यार, बहुत ही भाई गुस्से में रहता है। देखना अभी इसका मुंह करके देखते हैं भाई, इधर कर मुंह, काट ना ले जी, इधर उल्टा लटका के भाई इसको देखते हैं। वो देखो भाई जबान मार रहा है। तो गाइस आज इसको भाई साहब पता नहीं क्या हो चुका, बहुत ही ज्यादा भाई शैतानी कर रहा है। देखो काम चेक करो यार, उस कॉटन के बीच में छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, देख सकते हैं फट्टी को भी भाई कहाँ पे कर दिया इसने। देखो देखो ओ भाई साहब क्या यार जे क्या कर रहा है जी। देखो कॉटन भाई कहाँ था और कहाँ पे लेके आ चुका है। और वो देखो फट्टी भाई जो बच्चों के ऊपर मैंने रखी थी ना साइड पे, उसके नीचे भाई बच्चे, उसको भी भाई कहाँ पे कर दिया। देखो
पूरी मस्ती में पता नहीं यार इसको क्या हो गया भाई इतने गुस्से में। तो इसको भाई मुझे अब पक्का भाई हो चुका है कि इसको अलग करना होगा रात को इनसे, क्योंकि भाई यार बच्चों को खतरा भाई इनसे। खतरा क्या, जो मारता तो नहीं है, कुछ कहता तो नहीं है, बट एक तरफ तरीके से भाई हराश करता। वो देखो जो कॉटन था ना भाई, मैंने कॉटन था भाई मैंने रखा हुआ था साइड पे, सारा कॉटन भाई देखना अभी फिर से देखना। अभी दोस्तों मैं चेक कर रहा हूँ इसको, क्योंकि जब मैं यार इनको बंद करके रात को चला जाता हूँ अपने रूम में तो फिर तो नहीं ना गाइज कोई चेक कर पाता होगा। अभी दोस्तों मेरे सामने कर रहा है ना, मेरे सामने इसने हरकत कर दी। अब दोस्तों इसको मैं क्या करूंगा, अपने रूम में भाई लेके चला जाऊंगा। एक दिन जे करेगी फीमेल वाली है को यार लगेगा कि कहाँ लेके आ चुका, इसको भी लगेगा कि मैं अकेला आ चुका हूँ। बट दोस्तों जे करना ही पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं खुद ही यार क्या कैसे कर रहा है जे। ऐसा नहीं करती यार, बहुत ही केयर करती है बच्चों की, अपनी भी और बच्चों की भी, मेल वाले को। बट तब यार गुस्सा होती है जब जो मतलब उल्टी हरकतें करता। तो काट ना ले यार, अभी इसको मैं खाते हुए परेशान कर रहा हूँ।